सर ये गेहूँ जो जला है सर कम से कम 200 बीघा जला है सर। ये सर इसमें बहुत गरीब आदमी जला है सर। साल भर से हम लोग बहुत खेती किए, मेहनत किए सर। नहर का भी सुविधा नहीं है पानी के, यहाँ पे हम लोग अपना मशीन से सिंचाई किए सर। आइए सर, यहाँ आग लगा दिया गया जानबूझ के। अब कौन लगाया सर ये हम लोग देखे नहीं कौन लगाया। इसका सूचना वरीय पदाधिकारी को दी है सर। ये प्रभारी साहब जो सूचना दिया गया तो प्रभारी साहब बोलते हैं कि हमको इससे मतलब नहीं है। किस थाने से? सनबरिसा थाना सर, सुबोध जी हैं थाना प्रभारी। और ये सर इसके बाद हम इनके पास में कोई मतलब सूचना देते हैं तो बोलते हैं कि हमको इससे मतलब नहीं है, आते नहीं हैं। बोलते हैं तू हमारे पास फोन मत कर, तू कौन है फोन करने वाला? कैसा सूचना देते हैं? जैसे ये देखिए यहाँ पे दारू बिहार में बंद है, दारू के लिए हमके पास सूचना देते हैं कि सर अभी यहाँ दारू आ रहा है, यहाँ इस घर में लोड हो रहा है, अभी छाप मारिए पकड़ा जाएगा। बोलते हैं हम नहीं आएंगे, तू कौन है सूचना देने वाला, तेरे कौन से हम आएंगे, ऐसे बोलते हैं सर। बताइए सर, प्रभारी का काम है जनता को सहायता करना सर। जब प्रभारी साहब हमको पुलिस से सहायता नहीं करेगी तो फिर हम कैसे रहेंगे सर? क्या पर्ची आपका? आपका पर्ची सर, मेरा नाम गणेश सिंह है सर, गिर सर बराम सर। कितना का नुकसान हुआ है? देखिए यहाँ पर आग तो कैसे लगा हम लोग बता नहीं सकते हैं। हम लोग दूसरी जगह गेहूँ कटवा रहे थे लेकिन हम लोग देखे कि यहाँ आग लग गया। बुझाने के लिए पूरा दोनों पंचायत ड्यूटी हुई थी। इसके बाद यहाँ पर कम से कम 150 से 200 बीघे के आसपास गेहूँ जल गई है। इसमें आपका कितना नुकसान हुआ? मेरा तो अपना पर्सनल है 12 बीघा, अब बाकी तमाम यहाँ पर किसानों का भी जला हुआ है। तो आपका आपके पास और गेहूँ है कि नहीं? नहीं, मेरे पास खाने का तो गेहूँ नहीं है। जो भी है हार्वेस्टर आने वाली थी जब जल के राख हो गया उसमें, अब कुछ नहीं बचा। प्रशासनिक सहयोग क्या रहा? प्रशासनिक सहयोग सोनबरसा को हम लोग फ़ोन किए तो सुबोध जी बोले कि हमारे कोई से मतलब नहीं है, मैं बस गाड़ी भेज दिया हूँ। मतलब नहीं, मतलब फायर का गाड़ी भिजवा दिया हूँ, मेरा का काम नहीं है, मैं नहीं आऊँगा वहाँ पर। वो नहीं आए? क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र कुमार सिंह। कहाँ से है, किस गांव से? गिरधर। कितना नुकसान हुआ है क्या? 50 एकड़ से अधिक है, 50 एकड़ और 60 एकड़ के बीच में है। हम एग्जैक्ट इसका मुआयना करने के लिए तो अमीन को बुला करके नापी कराना पड़ेगा, लेकिन कल BAO आएंगे प्रखंड कृषि पदाधिकारी और एकड़ के हिसाब से वहीं रिपोर्ट करते हैं। आपदा प्रबंधन विभाग के तहत जो भी मुआवजा की राशि है, खेत में अगर आग लगा है, फसल बर्बाद हुई है, तो उस फसल के लिए प्रखंड कृषि पदाधिकारी का रिपोर्ट ही मायने रखता है। मेरे कर्मचारी इसका रिपोर्ट कर दिए हैं लेकिन प्रखंड कृषि पदाधिकारी के रिपोर्ट के आधार पर ही मुआवजा दी जाएगी। आग लगने के पीछे कारण क्या है, कुछ ऐसा संकेत मिली है? अब कुछ लोग तो हमको देखिए बिजली की बात थी कि सर बिजली के कारण आग लगती है, तो वो SDO साहब से कह करके 10 बजे से 4 बजे तक लाइन कटवा दिया जा रहा है। तो ये बिजली के कारण हादसा नहीं हुआ है, ये कुछ और कारण है। अब इसकी जांच की जाएगी, पुलिस प्रशासन को भी बोले किस तरह की मुआवजा दी जाएगी सर? इसमें जो भी फसल अनुदान के तहत मिलता है 13,500 रुपया है 1 हेक्टेयर पे, वो इनको मिलेगा। अपना शुभ नाम बताएंगे? अमरेश कुमार, अंचल अधिकारी नवानगर। जानकारी हुआ हमको कि यहाँ पर आग लगा है, उसी समय से लगे। CO साहब के भी फ़ोन किए कि जल्दी वहाँ पर पहुँचिए, आप पहुँच कर इसको मुआयना करिए। तो पूरे जितना ज़मीन आपका खेत जला हुआ है सबको साथे साथ घूम कर आपका हमारे CO देखे हैं और देख के जो अंजाद लगाए हैं कि 50-60 एकड़ के करीब करीब है, मगर जो भी कुछ 19-20 होगा उस पर CO से जाके लोग लिखवाएंगे और जो भी सरकार का प्रावधान के मुताबिक इनको सुविधा दिया जाएगा, जो खेत वाले या जो मलगुजारी जोतने वाले लोग हैं। ऐसा देखा जा रहा है कि यहाँ पे दमकल की गाड़ी आग लगने के काफ़ी घंटों बाद। अब देखिए समस्या तो है इसलिए कि हमारे क्षेत्र में छत्रमार भी लगा, हमारे ब्रह्मपुर विधानसभा क्षेत्र में भी बहुत आग लगता है, लेकिन आज हमारा CO साहब भी बोले कि एक यहाँ पर बड़ा गाड़ी रहना चाहिए। तो यदि सरकार के तरफ से होता है तो ठीक है, अन्यथा अगला सीजन में हम जरूर डुमराव के लिए या एक नामानगर के लिए बहुत बड़ा बड़ा जो पानी का छिड़काव के लिए है वो हम जरूर खरीद के देंगे। अभी विधायक